कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई प्रशासन की कार्रवाई को सांसद शंकर लालवानी ने सही ठहराते हुए कहा कि कंप्यूटर बाबा में राजनीति का वायरस घुस गया था, धर्म की पताका फहराने की जगह वो राजनीति कर रहे थे। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि कंप्यूटर बाबा को धर्म की पताका फहराना थी, लेकिन उनमें राजनीति का वायरस घुस गया था। लालवानी ने कहा कि बाबा की भाषा ठीक नहीं थी, वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे लोगों के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे वे किसी संत पर शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि जिस तरह की सामग्री उनके आश्रम से मिलने की जानकारी मिली है उससे साफ हो रहा है कि खुद को फक्कड़ बाबा कहने वाले बाबा की असलियत क्या थी। सांसद के इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। प्रचार कांग्रेस का किया था, अब कंप्यूटर बाबा एक संत महात्मा है तो वो राजनीतिक प्रचार क्यों कर रहे थे? उनको धार्मिक प्रचार करना था और जिस प्रकार की भाषा वो माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए कह रहे थे वो तो स्पष्ट है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। होना ये चाहिए कि उनको अपने, अगर वो बाबा हैं तो बाबा के हिसाब से करना चाहिए गुरु, न कि राजनीति जिस प्रकार से उन्होंने पूरे चुनाव में और चुनाव के पहले भी जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, वास्तव में बहुत दुखद है। ऐसे संत महात्मा नहीं होना चाहिए और वो भी उस जगह जो अभी मैंने जिला प्रशासन की जानकारी उन्होंने मुझे बताई उसमें बताया कि वो गौशाला की ज़मीन है और गौशाला में तो गौशाला होना चाहिए। गौशाला में अभी जो टीवी पे आपके माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि वहाँ कोई एसी के रूम थे, आलिशान कमरे बने हुए थे, तो भाई जब गौशाला में गाय रहती है गायों के लिए स्थान रहता है, न कि एसी और वैसे रूम बनाए जाते हैं, तो जो गौशाला की जगह है वो गौशाला में मिलनी चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।